Good morning, student. This video is about class 5, subject SST, EVS, term 2, chapter 4, hot desert seasons, Saudi Arabia. This is our lecture number 2. First of all, we are going to read about horses and agriculture. In some areas, the underground water comes to the surface, leading to the growth of vegetation in the surrounding area. This is called an oasis. Oasis kya hota hai? Kai areas mein jo underground water hai, wo surface pe aa jata hai, matlab ground ke upar aa jata hai. Theek hai? Kis liye? Taki vegetation ki growth ho paaye. जो भी वहां पर वेजिटेशंस हैं, जो भी वहां पर खेती बाड़ी है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए. दिस इज कॉल्ड एन ऑसिस. इसको हम ऑसिस बोलते हैं. आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे आपको ऑसिस की पिक्चर भी गिवन है. द ऑसिस इज द ओनली प्लेस विच इज ग्रीन, फर्टाइल एंड हैज प्लेंटी ऑफ वॉटर. जो डेजर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक ओसी सी ऐसी प्लेस होती है जहां पर ग्रीन होता है, जो लैंड फर्टाइल होती है, मतलब जहां पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, और जहां पर प्लेनिटी ऑफ वाटर होता है. परमानेंट सेटलमेंट्स आर फाउंड नियर द ओसिस एंड कारावेन समटाइम टेक शेल्टर हेयर. जो परमानेंट वहां पे रहने वाले लोग होते हैं वो ओसिस के आसपास ही अपना घर बनाते हैं. ठीक है? और जो सॉरी बेटा, कारावेंस में रहने वाले होते हैं, जो नोमेड्स होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, अपना टेंट हाउस बना के रहते हैं, या बैलगार्ड्स वगैरह के टाइप के उनके हाउसेज होते हैं, तो वो भी आकर वहां पर रुक जाते हैं कुछ टाइम के लिए. वहां पे शेल्टर अपना बना लेते हैं, घर बना लेते हैं. दिस एरिया इज द ओनली कल्टीवेबल एरिया वेयर क्रॉप्स लाइक डेट प्लांट्स, राइस, वेजिटेबल्स, वीट एंड बैरले कैन बी ग्रोन. बस एक यही एरिया होता है जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है, जहाँ पर हम उगा सकते हैं डेट्स, प्लांट्स को, राइस को, वीट, वेजिटेबल को, वीट को, बार्ले को हम उगा सकते हैं. ये चीजों की खेती इस एरिया में हो सकती है नियर द ऑसिस, जहां पर ऑसिस होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ साउथ अरेबिया. वाइल्ड लाइफ कैसी होती है वहां की. द रैट्स एंड लिजर्ड्स लिव नियर द बरोज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट ऑफ द डेजर्ट. जो रैट और लिजर्ड्स हैं सऊदी अरेबिया के, वो बरोज में रहते बरोज अंडरग्राउंड होल्स होते हैं. ठीक है बेटा? उनमें रहते हैं. ठीक है? द स्कॉर्पियंस एंड वोल्फ स्पाइडर्स टू हैव अ थिक आउटर कवरिंग सो दैट दे कैन बी सर्वाइव द एक्सट्रीम कंडीशंस. जैसे लिजर्ट्स और रैट्स बरों में रहते हैं और वो बरोज उनके जो उनको हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, डेजर्ट की हीट से प्रोटेक्ट करते हैं. ऐसे जैसे वुल्फ और स्पाइडर्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, इनकी थिक लेयरिंग, थिक आउटर लेयरिंग इनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में इन दिस एक्सट्रीम कंडीशंस. इस एक्सट्रीम गर्मी में सर्वाइव करने में इनकी हेल्प करती है. Lizards, snakes and insects are quite common in the desert. और जो lizards हैं, snakes हैं, insects हैं, ये भी बहुत common होते हैं इन deserts में. Occupation of people, यहाँ के लोग कैसा काम करते हैं, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है? काम क्या करते हैं लिविंग हुड के लिए अपने. There are two types of people, sorry beta, there are two types of people, one who live in town and cities and other who live in villages. दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो towns में रहते हैं और एक जो cities में रहते हैं. और मतलब
जो टाउन्स और सिटीज में रहते हैं और एक जो विलेजेस में रहते हैं। पीपल इन टाउन्स वर्क एज बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ऑफिशियल एंड वर्क इन फैक्ट्रीज। जो टाउन्स में सिटीज में रहते हैं बड़े बड़े, वो बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, ट्रेडर्स भी बन सकते हैं। ट्रेडर मतलब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर माल को सप्लाई करने वाले। ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं। दे एंजॉय ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज एंड आर कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड। और वो मॉडर्न जो फैसिलिटीज हैं वो भी एंजॉय करते हैं और कनेक्टेड रहते हैं पूरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू दिस ट्रेड, इस ट्रेड के जरिए। सऊदी अरेबिया है सॉरी बेटा, सऊदी अरेबिया हैज डेवलप्ड इट्स इंडस्ट्रीज, द इम्पोर्टेंट वंस बीइंग। सऊदी अरेबिया ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप की है जो इम्पोर्टेंट है, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम को साफ करने वाली, पेट्रोलियम के लिए केमिकल्स जो यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, खेती बाड़ी को फर्टाइल करने के लिए सीमेंट, आयरन, आयरन बनाने की इंडस्ट्री, स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ डेवलप की है। ठीक है। द पीपल इन विलेजेस स्टिल लीड अ ट्रेडिशनल लाइफ। और जो लोग विलेजेस में रहते हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे हैं। दे डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। वो एक जगह पर नहीं रहते परमानेंटली। दे की फ्लॉक ऑफ कैमल। वो कैमल की सवारी करते हैं। शीप एंड गोट। ठीक है, अपने पास शीप और गोट भी रखते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ पेस्टोरस फॉर देम। और वो एक जगह से दूसरी जगह पर सर्च करने के लिए जाते हैं जो भी उनके खाने पीने की सामग्री होती है। ठीक है, ये सब चीजें ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। इन द डेजर्ट एरिया देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव अ परमानेंट हाउस एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर बिलोंगिंग्स। जो डेजर्ट एरिया में लोग ऐसे होते हैं जिनके पास परमानेंट हाउस नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं अपने बिलोंगिंग्स, अपने सामान को लेके। दे आर कॉल्ड नोमेड्स। उन्हें क्या कहा जाता है? नोमेड्स कहा जाता है। द बोर्डिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल ऑल अमंग ऑल दीज नोमेड्स इन द अरेबिक डेजर्ट। जो बेडुइंग्स होते हैं, बेडुइंग्स होते हैं ए नोमैडिक डेजर्ट्स अरेबिक ऑफ लाइफ। नोमेड जीने वाले लोग, नोमेड की तरह जीने वाले लोग, उनको एक नाम दिया गया है बेडुइंग्स। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और नोटेबल लोग होते हैं इन सारे नोमेड्स में जो अरेबिक डेजर्ट्स में रहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ ऑफ द बेडुइंग्स एंड देयर ट्राइबिक, उनकी क्या तौर तरीके होते हैं और वो कैसी लाइफ जीते हैं। दे कीप कैमल्स हुज मिल्क दे ड्रिंक। वो कैमल रखते हैं जिसका वो दूध पीते हैं। दे यूज स्किन एंड द हेयर ऑफ द कैमल फॉर क्लोथ एंड शूज। और वो कैमल की स्किन और उनके हेयर यूज करते हैं क्लोथ बनाने के लिए और शूज बनाने के लिए। दे मूव और ट्रेवल ऑन कैमल्स फॉर्मिंग लॉन्ग रोज कॉल्ड कारवांस। ठीक है, वो ट्रेवल भी करते हैं कैमल्स पर जिसके पीछे वो लॉन्ग रोज लगा लेते हैं जिन्हें कारवांस बोला जाता है। एक तरीके की आप गाड़ी लगा लीजिए जिसमें वो थोड़ा बहुत अपना सामान भी रख सकते हैं और अपना बैठ भी सकते हैं। दिस टाइप ऑफ उन्हें कारवांस बोला जाता है। रोज में चलती हैं उनकी पूरे कैमल की जत्थियां। ठीक है, द बर्डिंग्स हैव टू वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग हुड एंड ऑफन एक्सचेंज एनिमल्स एंड गुड्स फॉर फूड एंड वाटर। जो बेडुइंग्स होते हैं उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है
अपना जीवन चलाने के लिए, और उन्हें कभी कभी अपने एनिमल्स को भी देना पड़ता है, ठीक है, और गुड्स को देना पड़ता है जो उनके पास होती हैं, ताकि उन्हें और तरीके का फूड और पानी मिल सके। चेंजिंग लाइफ, अब क्या क्या चेंज हो रहा है वहां की लाइफ में, हम ये पढ़ेंगे। द बेडविंग्स वे ऑफ लाइफ हैव चेंज, जो अब पहले की वहां पे बेडविंग की लाइफ थी वो चेंज हो चुकी है। नाउ दे हैव स्टार्टेड लिविंग अ परमानेंट लाइफ एंड आर इन टच विद द मॉडर्न वर्ल्ड। अब वहां पर उन्होंने एक जगह पर ही परमानेंट हाउस बना के रहना शुरू कर दिया है और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ टच में रहना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, हैज चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोल का, पेट्रोल बनाने का सबसे ज्यादा बड़े वहां पर कारखाने लगे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों की जो लाइफस्टाइल है, लाइफ है, बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अमंग ऑलमोस्ट इट्स एंटायर इनकम कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। हमने क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो ऑयल है वो, उसके बारे में पढ़ा था, है ना। तो जो उनकी सऊदी अरेबिया के लोग हैं, उनकी जो इनकम आती है, ज्यादातर इनकम उनकी इसी ऑयल से आती है, पेट्रोलियम से। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज बाय पेट्रोलियम फ्रॉम द सऊदी अरेबिया। जितनी भी डेवलप्ड सिटीज, सॉरी कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलप हो चुकी हैं कंट्रीज, वो सारे के सारे सऊदी अरेबिया से ही पेट्रोल खरीदते हैं। नाउ हम ड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। साउथी मैन वेयर लॉन्ग लूज कॉटन रॉब्स कॉल्ड थाव। लॉन्ग लूज कॉटन रॉब्स डालते हैं, जिन्हें थाव्स बोला जाते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द हीट एंड डस्ट बाय अ हेड कवरिंग कॉल्ड खुथरा गुथार। और वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने हेड को, ठीक है, सन की लाइट से और डस्ट से, कवर करते हैं उसको, जिससे वो कवर करते हैं उसको, वो बोलते हैं गुथर। वुमेन वेयर लॉन्ग रॉब्स कॉल्ड अबया एंड कवर देयर फेस विद विल। और जो वुमेन्स हैं वो लॉन्ग रॉब्स डालती हैं, जिन्हें अबया बोलते हैं, और कवर करती हैं अपना फेस विल्स। पॉलिटिकल सेटअप, वहां का पॉलिटिकल सेटअप कैसा है। साउथी अरेबिया इज अ मॉन्चरी, विच मीन्स दैट द किंग इज द हेड ऑफ द कंट्री। सऊदी अरेबिया में अभी भी मॉन्चरी चलती है, जहां पर वहां का किंग ही हेड होता है पूरी कंट्री का। इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की इम्पोर्टेंट सिटीज क्या हैं। सिटीज कैन बी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। ओल्ड इज रिलीजियस, जो ओल्ड है वो रिलीजियस। न्यू एंड मॉडर्न सिटीज, नई और मॉडर्न सिटी। द न्यू सिटीज हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मॉडर्न बिल्डिंग्स एंड हॉस्पिटल्स। न्यू सिटीज हैं जो यहाँ पर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, जैसे कि अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एजुकेशन अच्छी है, इंस्टीट्यूट्स अच्छे अच्छे खुले हुए हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। मीका इज द ओल्ड एंड रिलीजियस सिटीज के बारे में पढ़ते हैं हम। मीका इज द मेन सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स। इट इज द डिजायर ऑफ एवरी मुस्लिम टू विजिट दिस होली सिटी वंस इन हिज लाइफ टाइम। ठीक है, जो मुस्लिम हैं उनकी बहुत ही होली सिटी, बहुत ही ज्यादा उसको पवित्र सिटी मानते हैं मीका, और हर एक मुस्लिम का एक डिजायर होती है, इच्छा होती है कि पूरी जिंदगी में से एक बार जरूर वहां पर होके आए। इट इज एसोसिएटेड विद द फाउंडर ऑफ इस्लाम, और ये फाउंडर ऑफ इस्लाम के साथ एसोसिएटेड है। मिदना इज अनदर रिलीजियस सेंटर फॉर प्रिजाइम
न्यू एंड मॉडर्न सिटीज, अमंग द न्यू एंड मॉडर्न सिटीज रियाद एंड जिदा आर मेंशनिंग। मॉडर्न सिटी के लिए हम रियाद और जिदा को मेंशन कर सकते हैं। जियाद इज अ पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग द रेड सी। जो जियाद है वो वेस्टर्न कोस्ट में है, जिस जो रेड सी के साथ साथ है। इट इज द वन ऑफ द बिजनेस पोर्ट ऑफ दिस रीजन। ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्री, जो जिसे आप बोल सकते हो बिजनेस के लिए जहाज आते जाते हैं, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। रियाद इज द कैपिटल एंड मॉडर्न सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, पार्क, मार्केट, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। रियाद है जो कैपिटल सिटी है, मॉडर्न सिटी है। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, स्काई स्क्रैपर्स मतलब ऊंची ऊंची इमारतें, पार्क, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ है। द एफर्ट मेड बाय द सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट हैज रिजल्टेड इन द बैंड डेजर्ट एरियाज इन सऊदी अरेबिया बिकम प्रॉस्पेरस। जो एफर्ट्स हैं सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के, उनकी रिजल्ट की वजह से ये जो बंजर डेजर्ट है सऊदी अरेबिया, ये भी इतना सुंदर बन पाया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। द कैमल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट एरिया। कैमल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट है डेजर्ट एरिया का। इन द सिटीज मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, बसेस, स्कूटर्स आर एंड यूज। अब मॉडर्न जो सिटीज हैं उसमें सारे कार बसेस जैसे हमारे यहाँ पर चलते हैं ऐसे यूज होते हैं। दी सिटीज आर ऑल्सो कनेक्टेड बाई एयर टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सिटी दूसरे पार्ट्स, जो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स हैं उनसे भी कनेक्टेड है थ्रू एयरवेज, मतलब एरोप्लेन भी वहाँ पर चलते हैं। देयर इज द लिमिटेड रेलवेज एंड रोड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैंड एंड लैक ऑफ हैबिटेशन। जो वहाँ की हैबिटेशन है, मतलब वैसे तो अब जितना भी वो डेवलप हो गया है, रेगिस्तान सुंदर बन गया, अच्छा बन गया, बट वहाँ पर है तो सैंड ही, तो इसलिए बहुत कम ही रेलवेज और रोड्स हैं वहाँ पर। नाउ बेटा योर होमवर्क, आपका होमवर्क, आपको क्या करना है, टू बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 SST क्वेश्चन ए बी सी डी एंड ई, ई का पार्ट 4 एंड 5। आपको बुक एक्सरसाइज अपनी बुक में ही फिल करनी है, नो नीड टू डू इन नोटबुक। ओनली ई क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग पार्ट, जो आपने पहले 3 पार्ट्स कर ली हैं उनके बाकी के 2 पार्ट्स आप आज क्वेश्चन आंसर 4 एंड 5 वो आपको नोटबुक में करने हैं। और सारी ये जो ट्रू फॉल्स MCQs मैच द फॉलोइंग है, ये आपको अपनी बुक में ही करने हैं, नो नीड टू फिल राइट इन नोटबुक। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा, हाउ हैज द लाइफ ऑफ द नोमेड्स चेंज इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो नोमेड्स हैं उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है वो बताना है आपको। अब न्यू चीजें क्या आ गई हैं, ठीक है, पहले क्या थी आपको बताना है। हाउ डज द वेजिटेशन अपार्ट इटसेल्फ टू द ड्राई कंडीशन इन द डेजर्ट्स। कैसे वेजिटेशन वहाँ पर उगती है, अडप्ट कैसे करती है ड्राई कंडीशंस हैं जो डेजर्ट की, उनको कैसे अडप्ट कर पाती है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो वेजिटेशंस उग पाती है, ठीक है बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू आर वेलकम इन लाइव क्लासेस, प्लीज कम एंड हैव आस्क योर डाउट्स एंड क्लियर योर चैप्टर। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हैप्पी।